हेलो स्टूडेंट्स टुडे विल बी स्टार्टिंग बायो मोलिक्यूल्स बायो मोलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं बायो एंड मोलिक्यूल्स बायो का यहां पे जो मतलब है वो यूनिवर्सल मीनिंग है कि लिविंग समथिंग एसोसिएटेड विद लिविंग एंड मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स तो जब हम बायो मोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन हो जाता है एक तरह तो से बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है अब हम बायो मोलिक्यूल्स जब बोल रहे हैं तो हम बायो मोलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन करें क्या डेफिनेशन आती है बायो मोलिक्यूल्स की वैसे तो हेडिंग से ही पता चल रहा है कि डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि ऐसे सारे के सारे मोलिक्यूल्स जो लिविंग सिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे वो कहलाएंगे बॉयो बायोमोलिक्यूल्स और ये लिविंग सिस्टम्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है प्लांट्स और एनिमल्स तो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी जिन मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी हुई है वो मॉलिक्यूल्स ही कहलाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स अब इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं हमारे पास तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बायोमोलिक्यूल का एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोटीन्स हैं विटामिन हैं न्यूक्लिक एसिड्स हैं लिपिड्स हैं ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं कहलाते हैं बायोमोलिक्यूल्स एक प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि हमसे पूछा जाए वॉट आर बायोमोलिक्यूल्स तो हम फिर कैसे उसको डिफाइन करेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स की जो एक प्रॉपर डेफिनेशन आती है द कॉम्प्लेक्स

मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होंगे उन्हीं को ही हम बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स अब आपके कोर्स में जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है आपको जो आपके सिलेबस में है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स विटामस और न्यूक्लिक एसिड ये चार हैं लेकिन इस सेशन के लिए विटामिनस को एक्सक्लूड कर दिया गया है तो हम तीन बायोमोलिक्यूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे प्रोटीन्स पढ़ेंगे और न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे तो वन बाय वन हम इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे अपने सबसे पहले बायोमोलिक्यूल से वो है कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बोहाइड्रेट आपने सबसे पहले कहां पे पढ़ा होगा जब जूनियर क्लासेस में आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ाई जाती है तो वहां पे बताया जाता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट uh, का फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज का फॉर्मेशन हम उसमें दिखाते हैं और एज अ बायो प्रोडक्ट हम दिखाते हैं कि ऑक्सीजन भी लिबरेट होती है तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बेसिकली हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं प्रेजेंट वो दोनों में ही होते हैं प्लांट्स में एनिमल्स में लेकिन एनिमल्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज नहीं कर सकते प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करते हैं हम यानी कि एनिमल्स जो हैं वो पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट के लिए प्लांट्स पर ही रिलाई करते हैं राइट right? तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बेसिकली दे आर फॉर्म बाई द प्लांट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसेंथिसिस एंड फोटोसेंथिसिस में होता क्या है कि विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर राइट और एक ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल है और सेललाइट इसकी प्रेजेंस में प्लांट जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स और प्लस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट वहां पर निकलती है तो फोटोसिंथेसिस की जो बैलेंस रिएक्शन आती है सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एस टू ओ विल गिव सी सिक्स ओ सिक्स जो बेसिकली क्या है ग्लूकोज और ग्लूकोज क्या है वो कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है अब कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिनेशन की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट की ओल्ड डेफिनेशन है पुरानी डेफिनेशन जो जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया जाता था वो डेफिनेशन ये कहती है कि बेसिकली अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के हाइड्रेट का मतलब क्या हुआ कि कार्बन होगा और H2O वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा हाइड्रेटेड कार्बन की बात होती है राइट और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अगर हम इसके मोलिकुलर फॉर्मूला को एक जनरलाइज्ड वे में लिखने की कोशिश करेंगे उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो उसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है सी एन एच टू ओ एंड एन तो यहां पे क्या आ रहा है कार्बन और ये एच टू ओ क्या है वाटर मॉलिक्यूल तो इसी से ही बन गया हाइड्रेट ऑफ कार्बन और हाइड्रेट ऑफ कार्बन को बोल दिया गया कार्बोहाइड्रेट्स राइट right? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लूकोज की बात करें जो भी हमने यहाँ फॉर्मुला लिखा था सी सिक्स एच टूवेल्व ओ सिक्स तो उसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी सिक्स लिखा हमने और एच टू और यहाँ पे भी आ गया सिक्स राइट तो ये तो लग रहा है कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन है और ये जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट है और ये जो जर्नलाइज मॉलिकुलर फॉमुला है वो उस पर फिट भी बैठ रहा है लेकिन अगर हम फॉर्मल डिहाइड एस सी एच ओ ले लें तो एस सी एच ओ को भी हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कार्बन आ गया यहाँ पे एंड एच टू हमने लिख दिया दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है तो फॉर्मल डिहाइट भी देखने में क्या लग रहा है हाइड्रेट ऑफ कार्बन लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है फॉर्मल डिहाइट कार्बोहाइड्रेट नहीं है फॉर्मल डिहाइट एल डी हाइड का ग्रुप का मेंबर है या एल फंक्शनल ग्रुप इसमें आता है और इसमें पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज हमें एल ग्रुप की देखने को मिलेंगी या फिर अगर हम एसिटिक एसिड ले लें सी एच थ्री एच उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये तो दो कार्बन हो गए हमारे पास टोटल चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन ऐटम है तो चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन ऐटम को अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ये आ जाएगा इसको जब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन आएंगे राइट तो अगेन एस्टिक एसिड भी देखने में क्या लग रहा है हाइड्रेट ऑफ कार्बन लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है एस्टिक एसिड की हम बात करें तो एस्टिक एसिड में एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो एसिड की आएंगी वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप की नहीं आएंगी प्रॉपर्टीज तो कंक्लूजन क्या निकला कि ये जो ओल्ड डेफिनेशन है ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है और इवन ऐसे बहुत सारे हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिलते हैं कि उनको अगर हम इस जनरलाइज फार्मूला के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो वहां पे भी वो फिट नहीं बैठेंगे और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनपे जर्नलाइज फार्मूला एप्लीकेबल हो रहा है तो इट मीन्स कार्बो ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के कार्बोहाइड्रेट आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ये डेफिनेशन सही नहीं है तो फिर सही डेफिनेशन क्या है या मॉडर्न डेफिनेशन क्या है या आज की डेट में जब हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करते हैं तो हम कैसे डिफाइन करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आती है वो आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पहले तो उसके साथ एक चीज़ यह आ जाती है ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव क्या है हमने हेलो एल चैप्टर में पढ़ा है कि जो प्लेन प्लोराइज लाइट के साथ इंट्रैक्ट करते हैं उन सारे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव वो क्या करेंगे प्लेन प्लोराइज लाइट को रोटेट करते हैं आइदर लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर राइट डायरेक्शन में तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोल रहे हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव और आगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्ड एल्डोजिस और एल्डिहाइड्स तो एल्डिहाइड्स हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सीटो तो जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आई वो कुछ ये आ रही है जिसमें पहली चीज तो हमने बात कर ली कि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होगा कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी कि ये एक ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें पोलीमीन होता है मेनी और हाइड्रोक्सिल ग्रज ओ एच ग्रुप जो एल्हल में हम लगाते हैं एंड एलडीहाइड यानी सी एच ओ ग्रुप होगा तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें कई सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे अलॉन्ग विद एलडीहाइड ग्रुप या फिर पोलीमीन्स मेनी हाइड्रोक्सी कई सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे और साथ में कीटोनिक ग्रुप होगा इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजिस राइट या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी की भी बोला जाता है अब अगर हम सबसे सिंपल या सबसे कॉमन अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो जो हमारी छोटी क्लासेस से चलता चला आ रहा है वो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब अगर हम इसको लिखें अभी हमने कहा ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल होते हैं तो जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज में ये ग्रुप आता है सी ग्रुप C6 सिक्स कार्बन है राइट तो छः कार्बन के हम पहले चेन बना लेते हैं थ्री फोर फाइव और ये हो गया सिक्स राइट और यहाँ लास्ट में आता है सी एच टू ओ एच और उसके अलावा यहाँ पे सी एच ओ एच सी एच ओ एच तो अभी हमने क्या बोला कि कार्बोहाइड्रेट क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स तो जो ग्लूकोज है अगर हम ग्लूकोज देखें तो ग्लूकोज में वन टू थ्री फोर फाइव पांच ओ एच ग्रुप लगे हुए और साथ ही साथ एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा हुआ है तो ग्लूकोज क्या हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये और अगेन ग्लूकोज क्या है एक कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे और जो एक और डेफिनेशन है या और करेक्ट डेफिनेशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करने के लिए वो है कि अ कंपाउंड दैट हैज एन एल्डिहाइडिक और अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आइदर फ्री और एज हेमी एसिटल और एसेटल फॉर्म इस कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट हेमी एसिटल का मतलब क्या है एक ही कार्बन के साथ इथीरियल ऑक्सीजन एटम और साथ ही साथ ओ यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन एटम भी लगा होगा अगर हमें इसी में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हेमी एसिटल का फॉर्मेशन दिखाना हो तो हम किस तरह से दिखा सकते हैं इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम देख लें किस तरह से हेमी एसिटल स्ट्रक्चर आता है कार्बन की हमने बात करी थी तो छे कार्बन तो एज इट इज रहेंगे और ये तीन हमने ओ एच ऐसे बना दिए उसके बाद ये वाला जो है हमारा फिफ्थ वाला कार्बन राइट ये क्या करता है इस कार्बन के साथ ये कुछ ऑक्सीजन एटम ऐसे अटैच्ड होगा और यही इस तरह की जो लिंकेज है यानी इस कार्बन के साथ ओ एच भी लगा हुआ है इथीरियल ऑक्सीजन भी लगा हुआ है इसी को हम बोलते हैं हेमी है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एक इंटरनल हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है इंटरनल हेमी एसिटल राइट और इसी के बेसिस पे अगेन हम डेफिनेशन को रिपीट करें क्या डेफिनेशन आ रही है अ पॉलीहाइड्रोक्सिक कंपाउंड दैट हैज एन एलडीहाइड्रिक और अकीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आईदर इन फ्री फॉर्म और एज हेमी एसिटल और एसिटल फॉर्म इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट सिंपल भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट सिंपल हैं तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है उनके जो मोलिकुलर मासेस होंगे वो लो होंगे कम होंगे और अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो मोलिकुलर मासेस हाई हो जाते हैं ज़्यादातर जो लो मोलिकुलर मासेस वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है और इसी की बेसिस पे जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेक्राइट्स भी बोलते हैं सैक्राइट्स सेक्राइट्स और सेक्राइट्स क्यों कहा जाता है बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट और ये सेक्राइट वर्ड आया है लैटिन वर्ड से और लैटिन वर्ड कौन सा लैटिन वर्ड है सैक्रम सैक्रम और सैक्रम की मीनिंग होती है शुगर तो एनीथिंग विच इज स्वीट इन टेस्ट ज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट और कॉल्ड सेक्राइट्स तो आगे हम जब अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम इनको सेक्राइट के नाम से ही क्लासीफाई करेंगे और सेक्राइट की मीनिंग क्या है सेक्राइट मीन्स समथिंग विच इज स्वीट और शुगर लेकिन ये जो स्वीट टेस्ट होगा ये सिंपलर मेंबर का ही होगा यानी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट लो मोलिकुलर मासेस के होंगे जैसे कि ग्लूकोज फ्रैक्टोस ये सारे के सारे लो मोलिकुलर मासेस के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इन्हीं का ही स्वीट टेस्ट होता है इवन सुक्रोज स्वीट इन टेस्ट होगा अगर मोलिकुलर मास बढ़ रहे हैं अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास आ रहे हैं जो पॉलीसेक्राइट्स होते हैं दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन में अगर हम जाएं तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम टेस्ट के बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं और जब हम टेस्ट के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास दो कैटेगरीज आ रही हैं एक है शुगर्स और दूसरा है नॉन शुगर्स तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन ही हमें डिस्कस करना है और सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट क्लासिफिकेशन का हमेशा क्राइटेरिया होता है और हम यहाँ पे जो क्लासिफाई कर रहे हैं वो हम टेस्ट के बेसिस पे कर रहे हैं स्वीटनेस के बेसिस पे कर रहे हैं और हमारे पास पहला ग्रुप आ रहा है शुगर्स का शुगर्स और शुगर्स में हमारे पास मोनोसेक्राइट्स मोनोसेक्राइट की मीनिंग हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे मोनोसेक्राइट्स और डाइसेक्राइट्स यानी ऐसी सारी के सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंगल यूनिट से बने हुए हों यानी जो फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो नॉन हाइड्रोलाइजेबल हों और या फिर दो यूनिट से मिल के बने हुए हों वो सारे के सारे शुगर्स आते हैं लेकिन अगर दो से ज़्यादा यूनिट से मिल के कोई कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है तो वो कहलाता है नॉन शुगर यानी वो जो है वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होगा वो नॉन शुगर होगा और नॉन शुगर में हमारे सारे पॉलीसेक्राइट्स आते हैं पॉलीसेक्राइट्स और अगर हम इन कैटेगरीज के एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोसेक्राइट का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सारे के सारे मोनोसेक्राइट्स हैं देन सुक्रोज इज डायासेकराइट एंड पॉलीसेक्राइट्स के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सेलोलोज ग्लाइकोज़न, स्टार्च ये सारे के सारे नॉन शुगर्स हैं दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट और कार्बोहाइड्रेट तो है ही है कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं और उसमें आपके पास जो एग्जाम्पल है वो है एस्पार्टेम 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 की जब हम बात करते हैं तो एक पेप्टाइड होता है और इसको बोलते हैं कि एस्पार्टेम इज वन सिक्सटी टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज यानी जो नॉर्मल हम टेबल शुगर खा रहे हैं उससे वन सिक्सटी टाइम्स ज्यादा स्वीट है ठीक है कार्बोहाइड्रेट नहीं है पेप्टाइड है इसी तरह से अगर हम एक प्रोटीन की बात करें एक प्रोटीन है हमारे पास मोनालिन इसकी जब हम स्वीटनेस की बात करते हैं तो पहली बात तो ये एक प्रोटीन है प्रोटीन है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है और जब हम इसकी स्वीटनेस की बात करते हैं तो इसकी स्वीटनेस आप इमेजिन करेंगे कि नॉर्मल जो हमारी टेबल शुगर है सुक्रोज है उससे टू थाउजेंड टाइम्स ज्यादा है एस्पार्टेम इज़ एस पार्टी टाइम्स मोर स्वीटर देन नॉर्मल सुक्रोज वेयर एज मोनालीन प्रोटीन जो है वो टू थाउजेंड टाइम्स ज्यादा स्वीट है सुक्रोज से तो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स